नमस्ते। अगर आपको एक गेमिंग माउस चाहिए एंड एक बढ़िया कीबोर्ड चाहिए, वो भी 1000 रुपीज में, तो इस वीडियो को आप जरूर से लास्ट तक देखना। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से जो गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का जो कॉम्बो है उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये जो कीबोर्ड है, ये जो माउस है, इसे हम जो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने वाले है। एंड यहाँ पर ये जो कीबोर्ड एंड माउस का जो कॉम्बो है आपको 1000 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। एंड जो बिग बिलियन डे सेल है एंड अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में इस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो जो है आपको यहाँ पर अंडर 1000 देखने को मिल जाएगा, उससे नीचे भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्राइसिंग में क्या ये जो कीबोर्ड एंड माउस है लेना सही होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पर सब फीचर्स हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। एंड यहाँ पर बेस्ट बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आप जो है चेकआउट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कीबोर्ड फीचर्स के साथ। तो यहाँ पर जो है मल्टी कलर LED देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो है माउस एंड कीबोर्ड का जो कॉम्बो है 1000 रुपीज में, जो कि बढ़िया है। एंड सबसे पहले कीबोर्ड में जो है यहाँ पर मल्टी कलर LED है, कुछ इस तरह से आपको जो डिफरेंट डिफरेंट कलर LED देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर टोटल आपको जो है 3 लाइट मोड देखने को मिलता है। ये जो स्विच है, इस स्विच में टैप करके आप जो डिफरेंट डिफरेंट कलर मोड को जो सिलेक्ट कर पाओगे। एंड आपको यहाँ पर जो है अगर आप चाहो तो ये जो 8GB इसे आप सिंपली बंद भी कर सकते हो, इसको भी ऐड किया गया है। तो सिंपली ये जो बटन है, इस बटन के साथ आप जो है यहाँ पर मल्टी कलर LED का जो है चेंज कर सकते हो। देख सकते हो आपको 3 अलग अलग मोड देखने को मिलेगा। एंड 4 टाइम टैप करने के बाद जो है ये जो 8GB है बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इस कीबोर्ड के साथ जो है मल्टी कलर LED फीचर को ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो फीचर से मेरे को काफी बढ़िया लगा है, इस कीबोर्ड में जो है मीडिया कंट्रोल का जो बटन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो F1 कीज देखने को मिलेगा, उसमें जो है आप सिंपली जो है मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो। प्ले, पॉज, फॉरवर्ड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस जो फीचर से सच में काफी बढ़िया है। इवन म्यूट भी कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है इस कीबोर्ड में मीडिया कंट्रोल का जो फीचर से एक्चुअल में काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा, चीज हमने नोटिस किया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कीबोर्ड में जो है कीबोर्ड एंड माउस दोनों के साथ ये जो है अवेलेबल है। यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड USB देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली लंबे टाइम तक जो है आप इस कीबोर्ड एंड माउस की यूज कर पाओगे, गोल्ड प्लेटेड USB देखने को मिलता है, जो कि सच में काफी काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर ब्रेडेड केबल भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी सही है। कीबोर्ड एंड माउस दोनों के साथ जो है गोल्ड प्लेटेड USB एंड ब्रेडेड केबल देखने को मिलता है, जिसके साथ जो है हाई क्वालिटी USB कनेक्टर अवेलेबल है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कनेक्टिविटी के मामले में अभी तक जितने भी टाइम हमने इस कीबोर्ड एंड माउस की यूज किया है, एक बार भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। हर टाइम मेरा जो लैपटॉप है जो है यहाँ पर कीबोर्ड एंड माउस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। इवन हमने जो है यहाँ पर मैक के साथ भी ट्राई करके देखा है, उसके साथ भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पर विंडोज तो विंडोज, मैक के साथ भी काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो कीबोर्ड का जो लाइट है उसे आप जो एडजस्ट कर पाओगे। बाकी यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नंबर लॉक का जो बटन है, कैप्स लॉक का जो बटन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है आप सिंपली डिफरेंट डिफरेंट मल्टी कलर LED को सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस जो लाइट है, बेसिकली जो 8GB लाइट है उसका जो ओपेसिटी है और जो ब्राइटनेस, उसे आप जो है इंक्रीज और डिक्रीज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो सिंपली यहाँ पर जो F1 है, F1 नहीं FN को क्लिक करके यहाँ पर पेज अप एंड पेज डाउन का जो बटन है उसे क्लिक करने से जो ब्राइटनेस, उसे आप जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। ये जो फीचर्स हम काफी काफी कम यूज करते हैं, बट डेफिनेटली आपको बढ़े अगर आप जो है कीबोर्ड का जो ब्राइटनेस, उसे अगर आप जो है यहाँ पर डिक्रीज करना चाहते हो तो उसे भी आप जो यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है इस कीबोर्ड के साथ जो विंडोज की को डिसेबल और एनेबल करने का जो फंक्शन है ऐड किया गया है। तो आप सिंपली जो विंडोज की है उसे भी आप जो है यहाँ पर डिसेबल और एनेबल करने का जो फंक्शन है ऐड किया गया है, जो कि बढ़िया है। एंड यहाँ पर 2-स्टेप स्टैंड डिजाइन को भी ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से आप जो कीबोर्ड को स्टैंड के साथ भी यूज कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है, जो कि एक्चुअल में बढ़िया है। तो कुछ इस तरह से जो है स्टैंड देखने को मिल जाएगा।
तो इसके साथ भी स्टैंड के साथ भी यूज कर सकते हो। एंड ट्रांसपेरेंट यहाँ पर कीबोर्ड देखने को मिलते देख सकते हो, काफी बढ़िया है। एंड अगर डेफिनेटली अगर आप जो है नाइट में यूज करोगे तो आपको जो है काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट यूआई देखने को मिल जाएगा। एंड टू स्टेप स्टैंड डिजाइन है। पावर कंज्यूम की अगर बात करें तो ये जो कीबोर्ड है दोस्तों डीसी में 5 वोल्टेज पावर को कंज्यूम करता है 100 MA। एंड कुछ इस तरह से ओवरऑल जो है कीबोर्ड का जो डिजाइन है सच में काफी बढ़िया लगा है। मेरे को जो है ट्रांसपेरेंट डिजाइन काफी बढ़िया लगता है, डेफिनेटली आपको भी बढ़िया लगेगा। एंड इसे आप यूज करना, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर मूव ऑन करते हैं माउस के फीचर के बारे में। तो यहाँ पर माउस जो है डेफिनेटली काफी हद तक जो कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने को मिल जाएगा माउस के साथ। एंड अगर आप लंबे टाइम तक कीबोर्ड को यूज करते हो, माउस को यूज करते हो, तो आपको कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने को मिल जाएगा माउस के साथ। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है माउस में जो बटन देखने को मिल रहा है, इवन जो कीबोर्ड के साथ जो बटन है काफी बढ़िया जो है हाई क्वालिटी बटन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर माउस में कुछ एक्स्ट्रा बटन्स को भी ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर डीपे बटन अवेलेबल है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन को भी ऐड किया गया है माउस के साथ। तो डेफिनेटली जो है जिस तरह से गेमिंग माउस में जितने भी फीचर्स होते हैं सभी ऑलमोस्ट अवेलेबल है, पर डीपे बटन अवेलेबल है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो बटन है ऐड किया गया है माउस के साथ भी जो है। हाई क्वालिटी यूएसबी कनेक्टर है, ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ब्रीथिंग एलईडी देखने को मिलता है माउस के साथ। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर डिफरेंट 7 कलर में जो है ब्रीथिंग एलईडी देखने को मिलता है। इस तरह से सेम ब्रीथिंग एलईडी का जो ऑप्शन है, जो फीचर्स है, कीबोर्ड के साथ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है माउस के साथ ही देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर जो माउस है पावर कंजम्पशन की अगर बात करें 5 वोल्टेज के आसपास डीसी जो है यहाँ पर पावर को कंज्यूम करता है। 1 ईयर की जो है वारंटी देखने को मिलेगा जर्बोनिक्स की तरफ से। आपको सिंपली यहाँ पर जो सर्विस सेंटर में कैरी करना होगा कीबोर्ड और माउस को अगर कोई भी इश्यू आता है तो। बाकी यहाँ पर जो है टोटल कीबोर्ड में यहाँ पर 104 कीज अवेलेबल है। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 के साथ मैक के साथ भी काम करेगा। एंड यहाँ पर आप जो है 3200 तक DPI को जो सिलेक्ट कर पाओगे। ना यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कीबोर्ड एंड माउस दोनों के साथ। सबसे पहले यहाँ पर जो मल्टी कलर LED देखने को मिल जाएगा कीबोर्ड के साथ, जो कि काफी बढ़िया है। आप जो सिंपली डिफरेंट कलर को जो है सिलेक्ट कर पाओगे, जो कि बढ़िया है। एंड यहाँ पर कीबोर्ड के साथ जो है यहाँ पर मीडिया कंट्रोल का जो बटन है ऐड किया गया है। आप सिंपली यहाँ पर प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, स्टॉप, म्यूट सभी जो ऑप्शन उसे यूज कर सकते हो कीबोर्ड के साथ, जो कि सच में काफी यूजफुल है। एंड माउस के साथ जो सेंसर है काफी बढ़िया सेंसर देखने को मिलता है, यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी का सेंसर देखने को मिलता है, एकदम जो है परफेक्ट यहाँ पर सेंसर देखने को मिलता है। प्लस ब्रेडेड केबल भी देखने को मिलता है कीबोर्ड एंड माउस दोनों के साथ, जो कि काफी हद तक ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक जो आपको यहाँ पर फायदा देगा। ना यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते कॉन्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कुछ ऑप्शन जो है कुछ की जो है काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। तो सिंपली अगर आपके पास जो है यहाँ पर कीबोर्ड को खरीदने के बाद अगर कोई जो है की काम नहीं कर रहा है, तो आप सिंपली जो है यहाँ पर सर्विस सेंटर में जाके कीबोर्ड को जो है रिप्लेस कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर नहीं किया है, बट जो है आप कर सकते हो सर्विस सेंटर में जाके। नेक्स्ट जो मेन जो इशू मैंने नोटिस किया है, यहाँ पर जो ब्रीदिंग इफेक्ट जो है माउस में तो अवेलेबल है, बट यहाँ पर कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, जो कि डेफिनेटली होना चाहिए था। अगर होता तो काफी परफेक्ट लुक देखने को मिलता था। और एक इशू को हमने नोटिस किया, एक्चुअली इशू नहीं है, एक फीचर जो मिसिंग है, यहाँ पर जो है रूबी का जो साइन है यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, जो चीज हमने नोटिस किया है। डेफिनेटली अगर रूबी का साइन होता तो एक काफी बढ़िया होता। एंड यहाँ पर जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जो है यहाँ पर RGB लाइट तो देखने को मिलता है, बट यहाँ पर टाइपिंग में जो है कोई भी जो है हेल्प नहीं करता। अगर आप काफी डार्क रूम में हो तो यहाँ पर ये जो RGB है, इस RGB का कोई भी फायदा नहीं है। आप एक्चुअली जो की के साथ जो लाइट है और जो साइन है उसे आप जो पढ़ नहीं सकते, कीबोर्ड में जो साइन है वो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर रात के टाइम आप सिंपली ये जो RGB है टाइप करने में कोई भी जो है मदद नहीं करता है। बाकी डेफिनेटली ये जो कीबोर्ड है मैकेनिकल कीबोर्ड तो नहीं है, बट ऑफकोर्स आपको काफ़ी स्मूथ जो है क्लिकिंग देखने को मिलेगा, लाइट भी काफ़ी बढ़िया है। एंड डेफिनेटली अगर आपको इस प्राइसिंग में
1000 रुपीज़ के आसपास एक गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस चाहिए, तो इसके अलावा आपको जो है ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा डेफिनेटली। एंड ये जो कीबोर्ड माउस दोनों जो है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से देखने को मिलता है। एंड डेफिनेटली मैं रिकमेंडेड करूँगा इस कीबोर्ड एंड माउस को आप जो है चेकआउट करके देख सकते हो, परचेस कर पाओगे, आपको काफ़ी बढ़िया जो है एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एनीवे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।